यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर हरे जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो स्कंद 9 अध्याय 4 अम्बरीश महाराज इंग्लिश के ऊपर ये है और श्लोक संख्या 29। हरिध्यायिषु कृष्णम हरिराध्यायिषु कृष्णम महिष्यातुल्यशीलया युक्त संवत्सरम वीरो युक्त संवत्सरम वीरो दधार द्वादशी व्रतम दधार द्वादशी व्रतम आरिराध्य शिशु कृष्णम महिष्यातुल्यशीलया युक्त सांवत्सरम वीरो दधार द्वादशी व्रतम आरिराधयिषु कृष्णम महिष्यातुल्यशीलया युक्त सांवत्सरम वीरो तदार द्वादशी व्रतम। शब्दार्थ आरिराधीषु पूजा करने हेतु इच्छुक कृष्णम भगवान श्री कृष्ण को महिषया अपनी रानी सहित तुल्यशीलया महाराज अम्बरीश के ही समान योग्य युक्तः साथ साथ सांवत्सरम एक वर्ष तक वीरह राजा ने ददारह
स्वीकार किया। द्वादशी व्रतम, एकादशी तथा द्वादशी मनाने का व्रत। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज अम्बरीश ने अपने ही समान सुयोग्य अपनी रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने हेतु एक वर्ष तक एकादशी तथा द्वादशी का व्रत रखा। कृपया दोहराइए, महाराज अम्बरीश ने अपने ही समान सुयोग्य अपनी रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने हेतु एक वर्ष तक एकादशी तथा द्वादशी का व्रत रखा। एकादशी तथा द्वादशी का व्रत रखने का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना। जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक हैं उन्हें एकादशी व्रत नियम पूर्वक रखना अनिवार्य है। महाराज अम्बरीश की पत्नी भी राजा की ही तरह सुयोग्य थी, इसलिए महाराज अम्बरीश हेतु अपने जीवन को गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रखना संभव हो सका। अतएव इस प्रसंग में तुल्यशीलया शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक पत्नी अपने पति के ही समान योग्य नहीं होती तब तक गृहस्थी के कार्यों को चला पाना अत्यंत कठिन होता है। चाणक्य पंडित की सलाह है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य को तुरंत ही गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थ या सन्यासी बन जाना चाहिए। माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चाप्नीयवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। जिस व्यक्ति के घर में माता न हो और जिसकी पत्नी उसके अनुकूल न हो उसे तुरंत ही जंगल में चले जाना चाहिए। चूँकि मनुष्य जीवन मात्र आध्यात्मिक प्रगति के लिए है, अतएव उसकी पत्नी को इस प्रयास में सहायक बनना चाहिए, अन्यथा गृहस्थ जीवन की कोई आवश्यकता नहीं है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो बहुत ही सुंदर अध्याय है ये। अम्बरीश महाराज जो भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं उनकी जीवनी से हमको समझ में आ रहा है किस प्रकार से गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए। वो तो पूरे विश्व के राजा थे और बड़ी सभी इंद्रियों को हम देखते हैं, सवय मन कृष्ण पदा रविंद्र, पूरा मन भगवान की सेवा में हर हमेशा लगा के रखा। सभी इंद्रियों के साथ उसके आदर्श प्रस्तुत करते हैं अम्बरीश महाराज। ये पूरा कथा आएगा अभी, लेकिन आज जो श्लोक है हमारे पास उसमें प्रभुपाद बहुत मुख्य सूचना दे रहे हैं हमको। मुझे दो चीज़ इसमें चर्चा करने हेतु समझ में आ रही है। पहला तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि एकादशी तथा द्वादशी का व्रत रखने का अर्थ क्या है, या अन्यथा किसी भी प्रकार का व्रत रखने का उद्देश्य क्या है। तो लिख रहे हैं प्रभुपाद, उसका अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सामान्य रूप से इस बात पे चर्चा करने का बहुत
आनंद मिलता है जब भगवान को प्रसन्न करने का चर्चा करते हैं हम। तो भागवतम में एक श्लोक है, अथ पुंभि द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वानुतिष्ठस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम्। सो ये एकमात्र उद्देश्य है भक्त के जीवन का, समसिद्धिर हरितोषणम्। इसके अलावा कुछ और उद्देश्य अगर है तो हम हमारी जो गति है भगवान के चरणों में प्रगति करने की उसको धीमी कर रहे हैं। अगर कुछ भी और उद्देश्य बना लिया अगर, तो हर एक कार्य का उद्देश्य, भागवतम बोलने का उद्देश्य क्या है, समसिद्धिर हरितोषणम्। भागवतम आप लोग सुन रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, समसिद्धिर हरितोषणम्। प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, समसिद्धिर हरितोष। हर एक वस्तु का एक ही उद्देश्य है, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, भगवान के गुणगान करना, भगवान का चिंतन करना। इसके अलावा समेव ही केवलम, इसके अलावा कुछ और करेंगे तो इट जस्ट बिकम एन मंडेन एफर्ट। अभी आएगा निर्जला एकादशी, सब लोग उत्साह से राह देख रहे हैं। सो निर्जला एकादशी का उद्देश्य क्या है, कल लोग पूछेंगे मुझे आपने क्या किया था कल, प्रभु जी मैंने तो पानी पिया था। अच्छा पानी पिया था, मैंने तो निर्जला किया था। सो दिस इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग निर्जल एकादशी। अगर कोई भी व्रत हम करते हैं जिसमें कृष्ण चिंतन बढ़ता है, जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, मैं जानता हूँ केवल वही ऐसा वो वाव करवाते थे दीक्षा के समय कि एकादशी को कितनी माला करोगे, तो 25 बुलवाते थे वो। सामान्यतः हर गुरु ऐसी अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन महाराज ने कोई कारण से ऐसा कर रखा था। तो अगर हम कम भोजन खा रहे हैं तो कम भोजन बनाएंगे तो समय बचेगा, तो क्या करेंगे, समसिद्धिर हरि तोषणम, भगवान कृष्ण के गुणगान करेंगे, भगवान कृष्ण के नामों का जप बढ़ाएंगे, ये दिव्य ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, भगवान के सुंदर दर्शन करेंगे या भगवान के धाम की परिक्रमा करेंगे। तो ये उद्देश्य होना चाहिए। तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारी चेतना को बदलने के लिए बना है। एक्सटर्नली सब अच्छा है, सब लोग निर्जला कर लेंगे, लेकिन उस दिन कितना समय पानी का स्मरण है और कितने समय कृष्ण का स्मरण है, वो सही परीक्षा है हमारी। अगर पानी का स्मरण हो रहा है तो बेहतर है कि हम पानी पी लें, नहीं, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू मेडिटेट ऑन वाटर। हमारा जीवन का लक्ष्य है पानी का चिंतन करना तो नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य है ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। तो आचार्यों ने तो यही शिक्षा दी है। तो अगर कोई भी हम व्रत करते हैं और उससे सूक्ष्म रूप से अहंकार में वृद्धि हो रही है, अगर कई बार हम सोचते हैं अरे मैं तो बहुत सादे कपड़े पहनता हूँ, मैं तो केवल फल खाता हूँ, केवल दूध पीता हूँ, ऐसे कई घूम रहे थे चैतन्य लीला में, लेकिन कृष्णा का चिंतन नहीं करे तो एंट्री नहीं था गौर लीला में उनको। उसके सामने श्रीवास आचार्य थे कि पुत्र की मृत्यु हो गई फिर भी वो हरिनाम संकीर्तन को रोकना नहीं चाहते थे। तो ऐसे गृहस्थों की यहाँ चर्चा हो रही है कि जिनका केवल उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है, और कोई उद्देश्य नहीं है। तो यज्ञ दान और तपस्या, तो ये तो हर आश्रम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये राजा होते हुए भी व्रत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई कैटेगरी ऐसी बनी है या कोई आश्रम ऐसा है जिसके लिए अलग नियम है। ये सबसे सुंदर बात है कृष्ण भावनामृत की, कि जो विधि है वो सबके लिए समान है, द प्रोसेस इज सेम फॉर ऑल। यही हरे कृष्ण मंत्र पहले दिन जब जुड़े थे इस्कॉन में, तब किसी भक्त ने दया की कि भैया जप लो, भगवान का नाम ले लो, कलयुग में तो कलो केवल नामाधार। और आज भी वही कर रहे हैं 25 साल के बाद, और जो 50 साल से जुड़े हैं वो भी यही कर रहे हैं। तो इतना सरल विधि कि जो पहले दिन जुड़ता है और जो आखिरी दिन तक रहेगा,
हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य है वो भी तो यही कर रहे हैं, उनको कहाँ दूसरा कुछ प्रोसेस है। तो ये बहुत ही सुंदर विधि में हम लोग जुड़े हुए हैं और केवल हमको हमारे मन को बदलने का प्रयास करना है, हमारी चेतना को परिणित करना है कि जहाँ हम कृष्णा की प्रसन्नता हेतु कार्य करने के लिए अपने मन को समझाएं। जब भी मन क्या चीज़ के लिए समझा रहा है हमको, हमारी कीर्ति बढ़ाने के लिए, हमारा गुणगान बढ़ाने के लिए, हमारी लोग प्रशंसा करें, उसमें अधिक आनंद आता है। जबकि हम चाहते नहीं हैं लेकिन ऐसा कंडीशनिंग हो गया है हमारा। कंडीशनिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, एनीवेज आप समझते हैं राइट, सब लोग बोल रहे हैं मतलब एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड इट। सो ऐसा कंडीशनिंग हो गया है हमारा, हम चाहते नहीं हैं फिर भी कुछ भी करते हैं तुरंत यही दिमाग में आता है लोग क्या देख रहे हैं, मुझे क्या सोच रहे होंगे, सब मेरा प्रशंसा करेंगे कि नहीं, और चार जन को तो हम बता ही देंगे कि मैंने ये किया है आज। सो ये बहुत बहुत कठिन समस्या है एक्चुअली हमारे सामने, और केवल भक्तों की सेवा करके इससे बाहर निकल सकते हैं हम। तो अगर हम भगवान के शुद्ध भक्तों के सानिध्य में रहेंगे और सेवा करेंगे तब ये शारीरिक चेतना से परे उठ पाएंगे। तो दो शरीर है, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल सूक्ष्म शरीर और स्थूल, ये दोनों से ऊपर उठना है। तो सूक्ष्म से तो हम उठने का प्रयास काफ़ी बार करते लेकिन ये स्थूल से तो काफ़ी प्रयास कर लेकिन सूक्ष्म से नहीं उठ पा रहे हैं, मन पकड़ के बैठा है हमको अभी भी। तो ये जो अम्बरीश महाराज का जो पूरा चरित्र है वो आप देखो, उनको क्रोध ही नहीं आया, इतना बड़ा उनके ऊपर कृत्य कर दिया लेकिन ही वॉज नॉट डिस्टर्ब्ड, ही वॉज फुल्ली फोकस्ड ऑन कृष्णा। समसिद्धिर हरितोषणम, राजा है परीक्षित महाराज, राजा है, वो गले में सांप डाल दिया लेकिन क्रोध नहीं आया। सो दिस इज द रियल ट्रेनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस दैट वी ट्राई टू फोकस ऑल अवर अटेंशन ऑन कृष्णा, हमेशा हमारी पूर्ण शक्ति को कृष्ण में लगा के रखें, नहीं तो क्या है मैकेनिकल बन जाएगा पूरा प्रोसेस। 10, 20, 25, 30, 40 साल निकल जाएंगे लेकिन अभी भी वो नौका का उदाहरण है ना, खूंटा लगा हुआ था किनारे, पूरी रात नौका चलाई लेकिन सुबह उठे तो वहीं के वहीं, तो वही परिस्थिति हो जाएगी। नहीं तो ये प्रोसेस इतना पावरफुल है कि भक्त इतना आकर्षित बन जाता है कि उसको देख के लोगों को प्रेरणा मिलती है भगवान कृष्ण की शरण लेने की, चुंबक जैसा बन जाता है भक्त, जैसे प्रभुपाद थे। कौन जानता था अमेरिका में उनको, हम बोलते हैं पैसा चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या क्या चाहिए हमको, क्या सिखाया जाता है, मैन पावर, मनी पावर और क्या क्या, कौन सा पावर होता है, पर प्रभुपाद हैड नथिंग। प्रभुपाद जी के पास तो कुछ नहीं था, ना मैन था, ना मनी था, ना कुछ रहने का ठिकाना था, लेकिन क्या था उनके पास, चुंबक था भक्ति का। ये 70 साल का व्यक्ति जो दिखने में भी इतना कुछ सुंदर नहीं था, ठीक है हमारी दृष्टि से तो प्रभुपाद से अधिक सुंदर कोई नहीं है, लेकिन भौतिक दृष्टि से अगर कोई विश्लेषण करेगा प्रभुपाद जी के शरीर का तो छोटे शरीर थे, और पाश्चात्य देश में तो सबकी गोरी चमड़ी होती है और बड़े हुष्ट पुष्ट। 70 साल के व्यक्ति को कौन, 70 साल के व्यक्ति का क्या करते हैं हम लोग अभी, अभी वर्तमान समाज क्या करता है 70 साल के व्यक्ति का, नॉट अट्रैक्टिव राइट, कोई उसको पूजा नहीं करता है उसकी, कोई उसको स्थानांतरित किया जाता है कि भाई अपने गंतव्य स्थान पे जाओ अभी, छोड़ो हमको। बट श्रील प्रभुपाद वॉज वेरी अट्रैक्टिव एंड द अट्रैक्शन वॉज डिवोशन, द अट्रैक्शन फॉर सरेंडर टू कृष्णा एंड हिज गुरु। गुरु और कृष्ण के प्रति जो शरणागति थी वो आकर्षण था, उससे इतने असंख्य लोग कृष्ण भक्ति को जुड़े। तो जब हम हमारा मन को कृष्ण में लगाने का निरंतर प्रयास करेंगे तो एक अन्य सेवा में हम जुड़ जाते हैं कि हम अन्य लोगों को भी कृष्ण की सेवा में जोड़ पाएंगे। ये तो हम तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, जोड़ने की जगह हमारा व्यवहार देख के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, बोले ऐसी जगह तो मुझे नहीं फंसना है कि जहाँ आदमी अभी भी शरीर के निर्वाह के लिए झगड़ने में लगा हुआ है, मान अपमान सम्मान के लिए झगड़े में पड़ा हुआ है अभी, तो ऐसी तो जगह मुझे नहीं रहना है। बहुत मुश्किल है उसको समझाना अपने मन को, नए व्यक्ति को,
अगर भक्त आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार नहीं कर पाते हैं तो कैसे दूसरा व्यक्ति समझेगा। अभी इधर यहाँ ही अभी प्रसाद की लाइन लगेगी तो दुनिया तो देख रही है हम किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, राइट। शायद मेरी प्लेट में दो रसगुल्ले ज़्यादा ले लूँ मैं, लेकिन दो भक्त को मैं यहाँ से भगा रहा हूँ वो मुझे नहीं दिख रहा है। तो बहुत सचेत रहना है कि हम कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं या अपने इंद्रिय भोग के लिए कार्य कर रहे हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम दिस वर्स फॉर मी, कि हर हमेशा हर कदम केवल और केवल कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए, यही निर्णय शक्ति है। तो अर्जुन को जो पूरा भगवद्गीता का भगवान ने सुंदर जो उपदेश दिया उसका हेतु क्या था कि अर्जुन सही निर्णय ले पाए कि अब उसको क्या करना है। तो अर्जुन निर्णय लेते हैं और भगवान की प्रसन्नता हेतु युद्ध करते हैं। उनका युद्ध करने का क्या कार्य था, और कुछ कार्य था युद्ध करने का? वो तो साम्राज्य नहीं चाहते थे, वो तो तैयार थे सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाने के लिए। ही वॉज नॉट हैंकरिंग फॉर किंगडम। फिर क्यों तैयार हो गए वो? बिकॉज वो इस बात से कन्विंस हो गए कि जीवन का सच्चा लक्ष्य परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो अम्बरीश महाराज भी ऐसे ही शुद्ध भक्त हैं कि जो अपने मान अपमान की अपेक्षा किए बिना हाथ जोड़ के खड़े रहे और बड़े विनम्रतापूर्वक। अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि का भी रक्षा किया, ऐसा नहीं कि इसने मुझे इतना परेशान किया भैया एक साल व्रत के बाद पानी पी लिया, उसका इतना बड़ा दंड दिया, फिर पूरा दुनिया में ब्रह्मांड में घूम घाम के वापस आया तो बोला कि इसको छोड़ो। तो ईर्ष्या का भाव नहीं होता है भक्त के हृदय में, ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है भक्त, टिट फॉर टैट नैले पे दहला नहीं करता है वो। वो चाहता है कि जो भी परिस्थिति सर्जित हो रही है वो परम भगवान की अध्यक्षता में हो रही है और इसमें से मुझे क्या सीख मिल रही है ताकि मैं भगवान के लिए और शरणागत हो जाऊँ। हमारा जिम्मा पूरी दुनिया को भक्त बनाना नहीं है, प्रथम जिम्मा क्या है हमारा? जन्म सार्थक करी कर परोपकार, पहले खुद एक आदर्श जीवन व्यतीत करें। हम प्रायः अन्य के व्यवहार को देख के विचलित हो जाते हैं, बट उसका अर्थ ये है कि अभी हम भी स्थित नहीं है भक्ति में। अगर किसी का जैसे, ये तो विचलित नहीं हुए अम्बरीश महाराज, तो विचलित नहीं हुए, तो बिल्कुल विचलित नहीं हुए। परीक्षित महाराज बिल्कुल विचलित नहीं हुए, उन्होंने तुरंत कृष्णा का स्मरण किया सबने। द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तो विचलित हुई वो तो कुछ विचलित नहीं, वो तो तुरंत कृष्णा का स्मरण किया उसने। तो ये शास्त्र के अध्ययन से यही शिक्षा है कि हर परिस्थिति में हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए। और कृष्ण हॉल में किसका? गौर भगवान का। तो कृष्ण हॉल में आते हैं तो हम गौर भगवान प्रभु को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि इनकी अध्यक्षता में सबको भगवान कृष्ण का सुंदर प्रसाद प्राप्त होता है। तो ये एक मुख्य संदेश है इस कथा के अंदर जो ये श्लोक में हम पढ़ रहे हैं। और दूसरा, गृहस्थ जीवन पे चर्चा हो रही है जहाँ पति और पत्नी का समन्वय, किस प्रकार उनको जीवन व्यतीत करना चाहिए उसके बारे में प्रभुपद तात्पर्य में लिखते हैं। गृहस्थी के कार्यों में महाराज अम्बरीश की पत्नी भी राजा की ही तरह सुयोग्य थी। सुयोग्य का अर्थ है कि जैसे महाराज अम्बरीश भक्ति में लगे थे वैसे भी पत्नी भी लगी हुई थी। उनको विचलित या पद भ्रष्ट करने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था और पूरा सहयोग दे रही थी। तो ऐसा जो गृहस्थ आश्रम है वो सर्वश्रेष्ठ आश्रम है कि जहाँ पति पत्नी का जो साथ रहने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। जो हमने सुना अभी, उद्देश्य तो एक ही है पूरी सृष्टि का, कृष्ण को प्रसन्न करना, और कोई उद्देश्य नहीं है। तो जब साथ में मिलके भक्ति में लगते हैं तो एक और एक 11 हो जाते हैं, नहीं तो फिर बड़ा कठिनाई से जीवन जाता है अगर विचार अलग होते हैं, मन अलग होता है। तो ये गृहस्थ आश्रम बड़ा ही जिम्मेदारी वाला आश्रम है ऐसे देखेंगे हम। तो सभी आश्रमों में से
सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी गृहस्थ आश्रम को दी गई है, क्योंकि वो अन्य तीन आश्रम का निर्वाह भी करता है। सो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी धन उपार्जन के कार्य में नहीं लगते हैं, आदर्श रूप से उनको नहीं लगना चाहिए। तो धन उपार्जन का कार्य है गृहस्थ जीवन का, क्योंकि उसने कुछ भोग करने के लिए स्वतंत्रता ली है, इसलिए उनको ये जिम्मा मिलता है। टू कॉम्पेंसेट, इज कॉम्पेंसेटिंग दैट, जो इंद्रिय भोग करने की इच्छा व्यक्त की है तो उसका एक भरपाई करने के लिए उनको ये सेवा का सुअवसर प्राप्त होता है। कि जो अन्य तीन आश्रम जो त्याग करके बैठे हैं, जिन्होंने पूर्ण समर्पण करने का निश्चय ले रखा है भगवान की सेवा में, ऐसे तीन दिव्य आश्रम की सेवा करने का जिम्मेदारी मिलता है। तो ये वैदिक संस्कृति सिखाती है हमको कि गृहस्थ आश्रम, ऐसे तो हम समझते हैं कि इसके अंदर कई दोष हैं, लेकिन अगर हम गृहमेदी की प्रकार जीवन व्यतीत करें तो, लेकिन जैसा यहाँ बताया जा रहा है, अगर हम एक आदर्श गृहस्थ जीवन बताएं, इसकी चर्चा है भागवतम में, तो ये सातवें स्कंद में है, वहाँ युधिष्ठिर महाराज और नारद जी का संवाद है, तो उसमें बड़ा ही सुंदर वर्णन है, उसका हम चैप्टर का समरी पढ़ेंगे। सप्तम स्कंद अध्याय 14, उसका नाम ही है आदर्श गृहस्थ जीवन। तो बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद इसको समझा रहे हैं यहाँ। क्योंकि हम सब वृंदावन में स्थित हैं अभी, तो अवश्य हम अन्य इच्छाओं को कम करने हेतु ही यहाँ आए हैं, कोई इच्छा बढ़ाने के लिए तो यहाँ आया नहीं है। वृंदावन तो पूर्णतया कृष्णा की प्रशंसा करने में लोग लगे रहते हैं, ब्रजवासी का तो एक ही कार्य है, कृष्णा की गुणगान करना। तो ये अध्याय में प्रभुपाद समझा रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज बड़े ही उत्सुक थे गृहस्थों के दिनचर्या या जीवन शैली को जानने के लिए। तो नारद मुनि बोलते हैं कि गृहस्थ की पहली ड्यूटी है पूर्णतया भगवान कृष्ण पर आश्रित रहना, दिस इज़ द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गृहस्थ। तो स्वतंत्रता तो कोई आश्रम में अलाउड नहीं है, हर आश्रम के जीव को भगवान कृष्ण पर आश्रित रहना है। फिर भी ये इस बात पे बल दिया नारद जी ने कि कोई ऐसा ना सोचे कि गृहस्थ के लिए कुछ अलग नियम है। तो पहला नियम है पूर्णतया भगवान कृष्ण पर आश्रित रहना और हर परिस्थिति में उनको संतुष्ट करने के लिए ही कार्य करना, एंड टू ट्राई टू सेटिस्फाई हिम इन ऑल रेस्पेक्ट्स बाय एग्जीक्यूटिंग वंस प्रिस्क्राइब डिवोशनल सर्विस। तो भक्तिमय कार्य करते हुए, जब ये राजा अम्बरीश पूरे विश्व को चलन कर रहे थे और नवदा भक्ति में लगे थे, तो हम कौन सा बड़ा ठेका लेके बैठे हैं कि हमारा समय नहीं है नवदा भक्ति करने का। केवल मन को कन्विंस करना है, वी हैव टू कन्विंस दिस माइंड दैट वी परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। और ये कैसे करनी है भक्ति, ये निर्भर करती है हमारे गुरुजन, इसमें अथॉरिटी लिखा है, या जो उत्कृष्ट भक्त हैं, जो भक्ति में आगे हैं, ऐसे भक्तों की सूचनाओं के अनुसार हमें भक्ति में संलग्न होना है और हर हमेशा भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में रहना है। तो एकांत में हम भक्ति नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं सोच सकते मैं वृंदावन में आ गया हूँ मेरा भजन करूँगा, ये संभव नहीं है। एकांत में करने जाएंगे तो मन नियंत्रित नहीं कर सकते हम, मन को नियंत्रण में रखने के लिए किसी अधिकारी की सूचना के अनुसार कार्य करना होगा, क्योंकि मन तो चाहता है स्वतंत्रता। कई बार जैसे छोटा बालक है, वो उसको मौका मिलता है तो इधर उधर भागता है, ऐसे ही हमारा मन भी है, जैसे ही मौका मिला भगवान से दूर भागने का प्रयास करता है, इसलिए उसको हमेशा भगवान में लगा के रखना अनिवार्य है और उसके लिए किसी भक्त के सानिध्य में कार्य करना है हमको। और फिर लिख रहे हैं कि जो भक्तिमय कार्य है उसकी शुरुआत किससे होती है, श्रवणम से। द बिगिनिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस इज श्रवणम। तो जितना अधिक हम श्रवण करेंगे उतना हमारा मन भक्ति में लगेगा। अभी आप समझो, अभी कुछ समय से चुनाव चल रहे थे तो हम चुनाव का सुन रहे थे, अगर सुन रहे थे तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सामान्यतः ऐसे लोग सुन रहे थे, तो मन कहाँ था, चुनाव में था, कल क्या होगा, कल क्या होगा, अभी
उसको क्या बोलते हैं, न्यूज़, न्यूज़, हाँ, जो न्यूज़ चैनल में क्या चल रहा होगा वो तो मन घूमता रहता है उसके अंदर। अगर मन सर्दी गर्मी में है तो हम बार बार उसको देखते रहते हैं वेदर रिपोर्ट को कि कल कितना डिग्री होने वाला है, उसके आगे कितना, फिर चर्चा भी करते हैं उसकी कि अभी चार दिन के बाद ये होगा, तीन दिन के बाद ये होगा, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद अस। ये प्रजल्प है एक्चुअली। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हमेशा भगवान का श्रवण करें। तो जब हम भोजन ग्रहण करने बैठते हैं तो एक दूसरों को भगवान की कथा बताएंगे। इससे ही हमको समझ में पड़ सकता है कि भक्त क्या कर रहा है बाकी के समय में। जो भक्त कृष्ण के अलावा कुछ और बोलना नहीं चाहता है, इसका अर्थ है कि वो पूरे समय कृष्ण का चिंतन कर रहा है। कपिल भगवान बताते हैं माता देवहूति को कि साधु कौन है जो हर हमेशा कृष्ण का उपदेश करता है। तो हमको ऐसे भक्तों का संग करना है। तिलकधारी कंठीधारी तो हम बहुत है, वृंदावन में सब ऐसे ही हैं, लेकिन कितने लोग जीवा से कृष्ण के नाम का उच्चारण कर रहे हैं और हर हमेशा कृष्ण के गुणगान में लगे हैं, ऐसे भक्तों का संग करना है। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर लाइफ। जैसे कि हम भागवतम में कथा सुनते हैं वो ब्राह्मण पत्नियाँ, क्योंकि यहाँ माताओं का गुणगान है तो करना आवश्यक है अभी। तो जब भगवान कृष्ण और बलराम को भूख लगी और ग्वाल बालों को बोला कि जाओ बोलो कृष्ण बलराम इधर हैं और भूख लगी है, तो ब्राह्मणों ने भगा दिया, बोला नहीं नहीं ये तो अभी हम यज्ञ करेंगे, जबकि यज्ञ किसके लिए हो रहा था, कृष्ण बलराम के लिए यज्ञ हो रहा था। फिर भी क्योंकि भक्ति नहीं थी, शुद्ध भक्ति के पथ पे नहीं थे, तो उन्होंने मना कर दिया। और जब जो ब्राह्मण पत्नी है जो केवल श्रवण कर रही थी कृष्ण के बारे में, जस्ट बाय हियरिंग, केवल उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में सुना था, लीलाओं का श्रवण किया था साधुओं से, और वो समझ गई कि कृष्ण बलराम मांग रहे हैं, तो उन्होंने सब कुछ दे दिया। बोले तो आज हमारा जीवन का सबसे अच्छा दिन है आज के, कृष्ण बलराम हमसे भोजन ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुए हैं यहाँ। तो ये केवल भक्तों के संग में कृष्ण के बारे में श्रवण करने से ही संभव है, और कोई रास्ता नहीं है। बाकी सब में हमारा अहंकार बढ़ने की संभावना है। अगर आप बहुत, जैसे हमने चर्चा की, केवल दूध पी रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको ये दिमाग में आ जाता है भैया मैं तो दूध ही पी रहा हूँ, तुम लोग तो कितना भोग कर रहे हो, इतना सोचना भी वैष्णव अपराध बन सकता है। तो चेतना केवल कृष्ण में होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए जब श्रवण करते हैं तो श्रवण करते करते भगवान की इतने सुंदर लीलाओं का वर्णन सुनने मिलता है, इतने सुंदर भक्तों के कार्यकलापों का हमको चिंतन करने का अवसर प्राप्त होता है कि हमारी रुचि इन बातों में लगती है। फिर द कैसेट जो अभी अंदर का हार्ड डिस्क है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इतना भर रखा है अंदर मसाला कि वो खाली नहीं होगा, और उसके अंदर कुछ डालेंगे नहीं नया तो वो सोच बदलने वाली नहीं है हमारी। दैट्स द ओनली रीज़न। नहीं तो नारद मुनि सोचो ऐसा संदेश क्यों दे रहे हैं गृहस्थों को। और हम श्रील प्रभुपाद जी के उदाहरण से भी देख सकते हैं उनके पिता क्या करते थे। थोड़ा समय जीवन व्यापन के लिए, व्यापार के लिए जाते थे, बाकी जितना हम अभय चरण देखे हैं, सुबह पूजा चल रही है, शाम को पूजा चल रही है, दुकान पे जाके पूजा चल रही है, भगवान का नाम ही ले रहे हैं। तो पूर्ण रूप से कृष्ण पे आश्रित थे। अभी चेतना क्या बना दी गई है कि पहले बैंक बैलेंस बनाना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा, बट उससे तो हम भगवान से अनाश्रित होते जा रहे हैं। तो भगवान मन कैसे लगेगा, मन तो फिर भगवान के, हमारा मन पैसे में लगेगा, घर के संचालन में लगेगा, परिवार में लगेगा, कृष्ण में मन नहीं लगेगा। तो कृष्ण में मन कैसे लगेगा, श्रवण से। और फिर किससे श्रवण करना है, हमें श्रवण करना है जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं, रियलाइज सोल्स। कौन सा वो तद्विद्धि पणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षंती ते ज्ञान ज्ञानिनस तत्वदर्शी न, जो तत्वदर्शी है ऐसे संतों से हमको ये भगवान के संदेशों को सुनना है। और फिर क्या लिख रहे हैं नारद जी, ऐसा करने से गृहस्थ आश्रम का जो आकर्षण है, पति पत्नी बालक, वो धीरे 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 कम हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम तिरस्कृत करेंगे एक दूसरे को, इसका अर्थ ये है कि हम एक दूसरे को आत्मा के स्तर पे संबोधित करने लग जाएंगे। अभी हम शारीरिक रूप से संबोधित करते हैं, लेकिन हम तो शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। तो जब अधिक श्रवण होता है तो चेतना में परिवर्तन आएगा,
और हम सोचेंगे कि हम सब आत्मा हैं और उसी प्रकार एक दूसरे को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायता करेंगे। हम एक दूसरे के दुर्गुण देखना बंद कर देंगे और किस प्रकार से एक दूसरे को मदद करके गृहस्थ जीवन में भक्ति में आगे बढ़ें उसके बारे में अधिक समय जाएगा हमारा। फिर आगे लिखा है कि परिवार का जीवन व्यापन कैसे करना है। एज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फैमिली, कि उसे इतना ही धन अर्जित करना है जितना कि जीवन चलाने के लिए पर्याप्त है। बहुत अधिक भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि शरीर का ऐसा कार्य है कि उसको सुख दो तो मांगते जाता है। इसकी ऐसी क्वालिटी है एक कि जितना दो स्वाहा स्वाहा करते जाओ, लेते जाएंगे और हम फंसते जा रहे हैं। तो यज्ञ, दान और तपस्या, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है हर एक आश्रम के लिए। तो तपस्या छोड़ना नहीं चाहिए जीव को। तो बाहरी रूप से तो भले हम जीवन व्यापन के लिए धन अर्जित कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से हमारा मन भगवान में लगे रहना चाहिए और जो ये धन हमें प्राप्त हो रहा है उससे हमको आसक्ति नहीं करनी चाहिए। यह आदर्श जीवन, गृहस्थ जीवन को सूचना दे रहे हैं यहाँ। फिर क्या लिखा है आगे, उनका जो संबंध है परिवार के सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ, वो केवल बाहरी रूप से वो संबंध रखते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वो जानते हैं कि हम सब भगवान के दास हैं। चेतना से वो स्पष्ट है कि हम भगवान की सेवा करने के लिए जुड़े हैं। और पूर्ण समय गुरु के आदेश का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये गुरु का आदेश का पालन प्रभुपाद ने 1922 से शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका चिंतन उसी पे था। भले वो फल स्वरूप कब धारण हुआ वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चेतना कहाँ है वो महत्वपूर्ण है। भावग्राही जनार्दन, हमारा चेतना कहाँ है वो भगवान देखते हैं। तो भले 1922 से 1965 में इस्कॉन का सब 43 साल प्रभुपाद ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं बोल सकते हम। वो तो एक्सटर्नली दिखता है कि कुछ नहीं किया, ऐसा कोई बोल सकता है, लेकिन उनका निरंतर प्रयास चल रहा था अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए। तो गृहस्थ आश्रम में भी निरंतर प्रयास रहना चाहिए गुरु को प्रसन्न करने के लिए। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी करेंगे ये सब। दिस इज़ फॉर एवरीबडी। फिर जीवन व्यापन के लिए क्या करना है स्पेसिफिकली, गृहस्थ शुड एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ टू अर्न मनी। गृहस्थों को जीवन व्यापन के लिए क्या करना चाहिए, खेती से जुड़े हुए कार्य करने चाहिए। भगवद गीता में बताया गया है कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, कृषि गोरक्षा और ट्रेड एक्सचेंज मतलब आर स्पेशल ड्यूटीज ऑफ गृहस्थास। तो अभी हम देखते हैं अधिकांश लोग ये कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको आदर्श गृहस्थ जीवन जीना है तो श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अनिवार्य है। शास्त्र से, शास्त्र में यही व्यापार बताए गए हैं, कृषि गोरक्षा, और कोई व्यापार नहीं बताया शास्त्र में। अगर हमने भगवद गीता पे ध्यान दिया होगा तो ये इसके अलावा कोई व्यापार भगवद गीता के द्वारा सैंक्शन नहीं, यही व्यापार लिखा है गीता के अंदर, नथिंग एल्स वी कैन डू। बाकी सब हमारा बनाया हुआ है जो उग्र कर्म है। और फिर आगे लिखा है, अगर फिर भगवान की कृपा से अधिक धन प्राप्त होता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको ये हरे कृष्ण आंदोलन को बढ़ाने में लगाना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं, जब हम 5,000 रुपया कमाते थे तो हमारा घर 5,000 रुपये में चल जाता था। माताएं एक्सपर्ट है, 5,000 दो तो 5 में चलता है, 50 दो तो 50 में चलता है, दे आर एक्सपर्ट इन दैट। तो हमने देखा है हमारी माँ भी 5,000 में घर चलाती थी, फिर हमारा आमदनी बढ़ के 10 हुआ, 20 हुआ, 50 हुआ, अब तो पता नहीं कितना हो गया। लेकिन जो हमारा भगवान के लिए योगदान है वो उतनी मात्रा में नहीं बढ़ता है जितना हमारा इंद्रिय भोग के लिए बढ़ता है। तो ये हमारे हृदय की दुर्बलता है, इससे हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। भले हमारा मन हमको समझा रहा है पूरा दुनिया ये कर रहा है तो हम करेंगे, लेकिन हम हमारा नुकसान कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इन संदेशों का पालन करेंगे कि जो अधिक धन आ रहा है वो हरे कृष्ण आंदोलन को बढ़ाने में लगाया जाए, तब सच्चा धन, जो कृष्ण के चरणों में मन स्थित करने का धन हमको प्राप्त करना है, वो प्राप्त होगा। नहीं तो माया में हमारा मन लगते जाएगा। तो निर्णय हमको लेना है हम क्या करना चाहते हैं। शास्त्रों के संदेश बड़े स्पष्ट हैं। और फिर इसमें लिखा है कि अगर कोई
जरूरत से अधिक धन का उपभोग करता है तो उसे चोर कहा गया है और वो दंड का पात्र बनता है। प्रकृति के नियमों के द्वारा उसे दंड मिलता है। तो अलग अलग प्रकार से हमको दंड मिल रहे हैं समाज में, हम देख रहे हैं किस प्रकार से लोग दंडित हैं। सो ये जो सूचना है गृहस्थ जीवन जीने की, इसमें आगे और लिखा है कि जब कोई अधिक धन एकत्रित कर सकता है कोई भक्त, तो उसको पांच प्रवृत्ति में धन लगाना चाहिए। पहला है परम भगवान की पूजा करने में, दूसरा वैष्णवों का स्वागत करने में, वैष्णव और संतों का स्वागत करने में, तीसरा जन सामान्य में प्रसाद वितरण करने के लिए, चौथा अन्य जीवों को भगवान का प्रसाद प्राप्त, ऑल लिविंग एंटिटीज लिखा है इसमें। तो भागवतम में बताया है कि सभी जीव भगवान के अंश हैं, तो हर एक का भोजन पे अधिकार है। प्रथम स्कंद में प्रभुपाद लिखते हैं एक तात्पर्य में कि मनुष्य समाज की ये जिम्मेदारी है कि अन्य सभी योनियों को भोजन प्राप्त हो, तो ये गृहस्थों के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है ये भी। इसके आगे लिखा है पूर्वजों को प्रसाद अर्पण करना, और आखिर है स्वयं को भी भोजन खाना। तो ये आखिर पॉइंट है, स्वयं के लिए प्रसाद ग्रहण करना ये आखिरी है, पहले सबको प्रदान करके फिर स्वयं को ग्रहण करना है। फिर आगे लिखा है गृहस्थों को भगवान के धाम की यात्रा करनी चाहिए, जो ऐसे धाम जिनका शास्त्रों में वर्णन है, और इस प्रकार से वो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की सेवा में संलग्न रह सकता है और अपने पारिवारिक जीवन का लाभ उठा सकता है और फिर पूरे विश्व को सहायता कर सकता है। तो इसके संपर्क में भगवद गीता में प्रभुपाद लिखते हैं कि गृहस्थ अगर चार कार्य करे, शायद 13वें अध्याय में है, पहला है अर्चा विग्रह की सेवा, दूसरा जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं भगवान को अर्पित करके केवल प्रसाद ग्रहण करें, तीसरा है हरे कृष्ण महामंत्र का जप, और चौथा है इन शास्त्रों का अध्ययन। केवल ये चार कार्य करें तो गृहस्थ आश्रम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो संन्यास आश्रम तुल्य है, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं भगवद्गीता में। तो महाराज अम्बरीश का बड़ा ही आदर्श दृष्टांत है यहाँ। तो ये एक अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी है गृहस्थ भक्तों की कि वो अन्य आश्रमों की ठीक से सेवा करे और अपने जीवन को सफल बनाए और एक आदर्श जीवन प्रस्तुत करे, ताकि अन्य लोगों भी इस आंदोलन का पूर्ण रूप से लाभ उठा सके। इसके लिए यज्ञ दान और तपस्या में जुड़े रहना चाहिए और कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, और उसके लिए हमें भक्तों का संग अनिवार्य है। और भक्तों के संग में करना क्या है, इन ग्रंथों का अध्ययन, श्रीमद्भागवतम भगवद गीता का अध्ययन करना है, इसको बढ़ाना चाहिए। जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं कि जब भक्ति में जुड़े थे तो हम 2-3 घंटा जप करते हैं, माला करते, 3 घंटा देते थे, और अगर आज भी हम उतना ही कर रहे हैं तो उसको कम से कम 12 घंटे पे पहुंचना चाहिए। अब तो हम वृंदावन में हैं, हमारे पास अधिक कार्य नहीं है, तो अगर 12 घंटे हम जप और कीर्तन नहीं कर रहे हैं तो हम लोग माया में हैं। दिस इज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट स्टेइंग इन वृंदावन। लेकिन हम अभी भी, जैसे पहले मैं अहमदाबाद में था, वहाँ 2 घंटा जप करता था और 1 घंटा अध्ययन करता था या नहीं करता था, अगर उतना ही यहाँ करूँगा तो इट इज़ बिविल्डरमेंट, आई कैन नॉट, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कितनी अहेतु की कृपा भगवान ने मुझे दी है, भगवान में वास देखे, भगवान के धाम में वास देखे। तो ये मन को पकड़ने का सबसे कठिन साधन है और सबसे आसान भी है एक रूप से, शास्त्रों का अध्ययन करना सबसे कठिन है। देखने में लगेगा ये कुछ नहीं कर रहे व्यक्ति, लेकिन वो मन से पूरा निरंतर युद्ध कर रहा है, वो निरंतर युद्ध चल रहा है मन के साथ, क्योंकि मन को घूमना है इधर उधर, इधर दर्शन करने जाओ उधर दर्शन करने जाओ। प्रभुपाद का अनुयायी नहीं है जो घूमते रहता है, वो प्रभुपाद का अनुयायी वो है जो ग्रंथों का अध्ययन करता है धाम में बैठ के। प्रभुपाद वृंदावन में आके घूमने नहीं निकले कहीं, प्रभुपाद ने अपने गुरु के प्रवचन सुनने बैठ गए थे। सो हमको प्रभुपाद का पालन करना है। अगर मन की सुनेंगे तो बोलते हैं मंकी बनता है आदमी, तो मन की सुनेंगे तो बंदर बनेंगे धाम में। सो हमको बंदर नहीं बनना है, हमको इसी धाम, इसी जन्म में भगवत धाम वापस जाना है। तो इसको बड़ा गंभीरता से लेना होगा, और ये अम्बरीश महाराज ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, इस अनुसार जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। कोई कुछ टीका?
या महाप्रसादे गोविंदे मन एकाग्र है अभी हमारा, केवल प्रसाद की प्लेट दिख रही है अभी. दिस इज गुड, इज वेरी गुड. थैंक यू. हरे कृष्णा.